तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी कुछ सैमसंग गैलेक्सी की एप्स बता रहा हूँ या सैमसंग की ऐप बता रहा हूँ जो कि आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में इंस्टॉल करके रखनी चाहिए, जो कि सैमसंग की तरफ से ही आती है और बहुत इंपॉर्टेंट्स होती हैं और बहुत छोटे छोटे वर्क उनके थ्रू आप कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐप्स है, कहाँ कहाँ मिलेंगी और कैसे यूज़ होंगे सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कौन कौन सी ऐप्स है, कहाँ कहाँ मिलेंगी, कैसे इसका यूज़ करेंगे सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो जैसा कि मैं बता यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली ऐप बताने वाला हूँ वो है सैमसंग की वन हैंड ऑपरेशन ऐप, जो कि सबसे बेस्ट ऐप मानी जाती है। उसके अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नेविगेशन को, गैजेट्स को। गैजेट्स के थ्रू आप नेविगेशन को यूज कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स लगा सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर ऊपर स्वैप करूंगा तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लगा के रखा है स्क्रीन शॉट का और ये स्क्रीन शॉट आ जाएगा। ये सब वन हैंड ऑपरेशन के थ्रू होता है। नीचे की तरफ स्वैप करूंगा तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से राइट लेफ्ट हैंड से नीचे करूँगा तो ये पूरा क्विक पैनल वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ ऊपर स्वैप करूँगा नोटिफिकेशन खुल जाएगी और सिंपल बैक करूँगा तो बैक हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार ये ऐप है, ये आपको दोनों जगह मिल जाएगा, गैलेक्सी स्टोर पे भी एंड देन चाहें तो आप अपने प्ले स्टोर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वन हैंड ऑपरेशन ऐप जो मुझे सबसे बेस्ट ऐप लगता है वो यही है, वन हैंड ऑपरेशन ऐप प्लस करके आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इसी को डाउनलोड कर लेना है, सबसे पहले इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड करके अंदर ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा के रखे हैं। आपको किस टैगल में क्या लगाना है, जैसे मान लो राइट वाले में मैंने नीचे नो मोड्स लगा के रखे हैं, मुझे मोड्स के अलावा और कुछ लगाना है। विजार्ड्स पॉपअप, होम स्क्रीन या क्विक टूल्स, होम स्क्रीन शॉर्टकट्स, स्टार्ट एप्लीकेशन, ये सब चीज़ आप लगा सकते हैं। आपको जिसको भी लगाना है उसको टिक कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब मैं नीचे क्लिक करूँगा तो वहाँ पर ये खुल जाएंगे विजार्ड्स वाला ऑप्शन। तो ये सबसे पहला बेस्ट ऐप यही है। उसके बाद बात करें सेकंड ऐप की दोस्तों, वो है सैमसंग का की कैफे, जो कि आपको आपके गैलेक्सी स्टोर पर मिल जाएगा की कैफे के नाम से। और ये भी बहुत ही शानदार ऐप है, की कैफे, कीज कैफे, ठीक है, सैमसंग की तरफ से ही आता है। इससे क्या कर सकते हैं आप अपने सैमसंग गैलेक्सी के कीबोर्ड को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसके कलर्स को, उसके थीम्स को, उसके अंदर जो एनिमेशन चलते हैं उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक मेक योर ऑन टैग, मेक योर ऑन कीबोर्ड्स स्टाइल और योर ऑन कीवर्ड। आप देख रहे होंगे जैसा कि ये वाला मैंने बना के रखा है। अब मैं यूं करूंगा तो आप देख रहे होंगे कुछ अलग ही चल रहा है इसमें। अगर आप और कुछ भी डालना चाहते हैं, नेविगेशंस इतने सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इफेक्ट्स में आएंगे, इतने सारे इफेक्ट्स दिए हुए, जो आपको अपना इफेक्ट्स डालना है उस इफेक्ट्स को सिलेक्ट कर लो और फिर आप चेक करेंगे तो वो इफेक्ट्स उसमें आने लगेगा। आप देख सकते हैं ये इफेक्ट्स आने लगा है। अब मैं ज़रा इसको कर लूँ उसमें ब्लैक थीम में तो आपको सही जगह दिखाई देगा। कीबोर्ड कस्टमाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट ऐप है और सैमसंग की खुद की ऐप है। इससे आप अपने कीबोर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही कस्टमाइज यहाँ पर आप कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं, कलर्स डाल सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगता है अपने हिसाब से उसको चूज़ करो और उसको एड ऑन आप कर पाएंगे। तो सबसे पहला मतलब सबसे सेकेंड ऐप वो यही है। उसके बाद बात करें थर्ड ऐप की, जो कि और ही शानदार है यार। मतलब थर्ड ऐप मतलब कि जिससे आप यहाँ पर ब्राउजिंग कर पाएंगे, सैमसंग इंटरनेट ब्राउजिंग का। सैमसंग का खुद का ऐप होता है ब्राउजिंग के लिए, जैसा कि गूगल क्रोम होता है लाइक, उसी की तरह ये वाला ब्राउज़र होता है और ये बहुत ही बेस्ट होता है यार। इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। लाइक आप यहाँ पर गूगल में गए अपनी प्राइवेसी एड ऑन कर सकते हैं। मैंने S23F ही सर्च मारा, यहाँ पर आप गए इमेजेस में, आपको कोई इमेजेस अच्छी लगती है आप यहाँ पर उसको स्वैप करके डायरेक्टली आप सेव कर सकते हैं और यूँ आप देख रहे हैं यहाँ तो यहाँ पर उठा के आप पेस्ट करके भी कहीं भी इसको शेयर कर पाएंगे। तो ये आपको सैमसंग इंटरनेट के अंदर ये फीचर भी बहुत ही शानदार मिल जाता है। और भी उसमें और भी फीचर मिलते हैं, आप बैकग्राउंड प्ले कर सकते हैं वीडियोज़ को। यहाँ जाएंगे सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड प्ले का। आप वहाँ पर अपने वीडियोज़ जो भी यूट्यूब के चलाएंगे उसको आप बैकग्राउंड में भी प्ले कर पाएंगे। तो ये बहुत ही शानदार है यार ये वाला जो फीचर है ना, मतलब ये वाली जो ऐप है ना बहुत ही शानदार है। आप इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। ये बैकग्राउंड प्ले का ऑप्शन है, आपको इसको ऑन कर दो और वो ऑन हो जाएगा। ओनली हेडफोन पे कर सकते हैं या फिर कभी भी आप ऑन कर सकते हैं। तो तीसरी ऐप ये थी। उसके बाद बात करें फोर्थ ऐप्स के बारे में, जो कि है बहुत ही कमाल की। तो फोर्थ ऐप है दोस्तों वो है सैमसंग हेल्थ ऐप। ये सैमसंग हेल्थ ऐप आपको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करता है कितने कदम आप चलें, चाहे आपके पास वॉच हो ना हो तो भी वो काम करेगा। कितने घंटे आपने कदम चले, कितना आपने दो रनिंग करी, कितना आपने फूड किया, मतलब पूरी तरीके से एनालिस करता है और ये बहुत ही शानदार है। इसको आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली मज़ा आएगा। सिंपल बस इसको एक बार ऑन करके इसके अंदर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपना सेट कर देना, फिर उसके हिसाब से आपको सजेशन देता रहेगा।
तो ये ऐप भी बहुत ही शानदार है दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों फिफ्थ ऐप की, जो कि है सैमसंग की नोट्स ऐप, जो कि बहुत ही शानदार है। आप इसमें नोट्स वोट्स लिखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ वीडीएफ बनाना तो आप यूज़ कर सकते हैं, जो नोट्स को कोई सेव करके रखना है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको नोट्स को यू लिखना है या सेव करना है, आप नोट्स को खोल लीजिए। नोट्स को खोलने के बाद जो भी आपको कुछ नोट्स लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लिख करने के बाद यहाँ पर कुछ अटैचमेंट करना चाहते हैं, फोटोज, वीडियोस, इमेज, पीडीएफ, वो सबको आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। इमेज ऐड ऑन करना, इमेज पे क्लिक किया, जो भी आप ऐड ऑन करना चाहे ऐड ऑन करके उसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। बाद में आप पीडीएफ में कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं सेव करके। तो फिफ्थ ऐप दोस्तों, आप बात करें सिक्स्थ ऐप की, दोस्तों सिक्स्थ ऐप है यहाँ पर आपको मिलती है, ये है वेरिएबल। बट ये तब काम करेगी जब आपके पास कोई भी सैमसंग का या सैमसंग का आपके पास वॉच होनी चाहिए, तो ही काम करेगी। आप यहाँ से पूरी अपनी वॉच को मैनेज कर सकते हैं, पूरी वॉच के स्टाइल्स, उसका फेसेस, उसके अंदर के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, आप जो भी आप मतलब पूरी तरीके से पूरी अपनी वॉच को आप यहाँ पर एनालिस कर पाएंगे। बट ये सिर्फ उन्हीं के लिए यूज़ है जिनके पास वॉच है, अगर जिनके पास वॉच नहीं है उनके लिए यूज़ की नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों सेवन्थ ऐप की, जो कि है वंडरलैंड करके, जो आपको गुड लक के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर आप अपने मूविंग वॉलपेपर्स या फिर अपनी इमेज, लॉक स्क्रीन क्रिएट इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब वॉलपेपर और लॉक स्क्रीन से रिलेटेड सारी सेटिंग, सारे क्रिएटेशन आप इसमें कर सकते हैं। लाइक आपको कोई भी बनाना हो, लाइक मुझे अपना इसके अंदर मूविंग वॉलपेपर बनाना है, तो मैं यहाँ पर गया, मैंने इसको सेट आउट कर रखा है और आप देखेंगे वो चलता हुआ आपको भी दिखाई देगा। आप देख रहे होंगे हल्का सा मूविंग होता है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर उसको सेट आउट कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों एट ऐप की, जो कि आपको इसी के अंदर मिलेगी, वो है लॉक स्टार। इससे आप अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन को और एलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स वॉचेस के अंदर, जैसे वॉचेस चेंज करना हो तो आप उसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर इफेक्ट्स या बहुत सारे उसके फॉर्मेट दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। क्या क्या उसमें दिखना चाहिए, क्या क्या नहीं दिखना चाहिए, कौन सी घड़ी वहाँ पर दिखे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर उसको ऐड ऑन कर पाएंगे अपने हिसाब से। जोन सी आपको सेट आउट करनी है आप यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये फीचर भी बहुत ही शानदार है, ये ऐप भी बहुत शानदार है। इसमें आप अपने लॉक स्क्रीन और हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों की स्क्रीन को आप यहाँ पर कस्टमाइज कर पाएंगे, और दोनों में अपने हिसाब से जो सी भी उनको आपको वॉच चाहिए या जौन सा भी आपको क्लॉक का मेथड चाहिए, आप उस पर क्लिक करेंगे वो सेट आउट हो जाएगा और आप वहाँ देखेंगे उस तरीके से वो, और आप उसको यहाँ पर उसकी डायरेक्शन को भी चेंज आउट कर सकते हैं, किस लोकेशन में चाहिए, कलर भी चेंज आउट करना चाहें तो आप वहाँ पर कलर भी चेंज आउट कर पाएंगे। तो एट ऐप ये थी। उसके बाद बात करें नाइन्थ ऐप की, ऐप तो बहुत सारी हैं दोस्तों, मैं नाइन्थ ऐप और बता रहा हूँ जो कि मुझे बेस्ट लगती है, वो है रेगिस्टार। रेगिस्टार, इससे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी की सेटिंग्स को और सबसे बेस्ट बैक स्पेस, क्या बोल सकते हैं, बैक टैप फीचर ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 2 3 करूँगा, जैसे कि 1 2 3 आप देखेंगे जैसे डबल टैप, ऐसे ही मैं ट्रिपल टैप करूँगा तो वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, आप देख सकते हैं। तो आप इस तरीकों को यहाँ पर सेट आउट कर पाएंगे। रेगिस्टार में कस्टमाइज सेटिंग्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर कस्टमाइज सेटिंग्स का ऑर्डर को चेंज आउट कर सकते हैं कि पहले कौन सी चीज़ सीखे, लास्ट में कौन सी चीज़ के सेटिंग्स भी। उसके बाद नीचे जाएंगे सेटिंग चेंज में, कौन कौन सी सेटिंग कब कब चेंज हुई है सब आपको, सेटिंग चेंज हुई है वो आपको दिखा देगा। और उसके बाद सबसे मेन ऐप है, मेन चेंज है यहाँ पर बैक टैप एक्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन कौन सी टैप कब हुई है, कौन कौन सी मतलब डबल टैप और ट्रिपल टैप में आपको क्या क्या ऐड ऑन कराना है, क्या क्या फीचर कराना है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने डबल टैप में पॉपअप कर रखा है, मैं डबल टैप करूँगा वो पॉपअप में चले जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये ट्रिपल टैप करूँगा वो स्क्रीनशॉट में चले जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस फीचर को यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। यही कुछ 9 ऐप्स जो कि मैंने बताई आपको सैमसंग गैलेक्सी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका फीचर आप यूज़ करेंगे डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है इसमें से कौन सी ऐप्स आपको पता थी, कौन सी नहीं थी। और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, और एक चीज़ और, मेरे व्हाट्सअप के चैनल भी फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।